बॉलीवुड फिल्म पद्मावत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बदले दिख रहे हैं। तभी तो जब मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फिल्म पद्मावत पर बैन को लेकर दिए गए स्टे पर मुख्यमंत्री से सवाल किया तो वो बोले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है, अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हमारे सारे पुलिस अफसर इकट्ठा हुए हैं, सर्विस मीट भी है, लेकिन दो जो बहुत सामयिक विषय है उन पर चर्चा भी है, सोशल मीडिया के बारे में और कट्टरवाद के उदारीकरण, कट्टरता के उदारीकरण के बारे में कुछ और टास्क तय किए हैं, जो आज समस्याएं हैं उनके समाधान के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उनका समाधान भी वो खोजेंगे। अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं और बाद में मैं भी फिर उनके साथ गृह मंत्री और हम बैठेंगे, तब विस्तार से चर्चा करेंगे। पुलिस की सर्विस ऐसी है कि इसमें छुट्टी और आराम का वक्त नहीं मिलता, 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ता है, जब जैसी परिस्थितियां बनती है वैसा मैदान में उतरना पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने जो बड़े टास्क है उसको सबको बहुत सफलता के साथ पूरा हुआ है, किया है, चाहे वो डकैतों के आतंक का सवाल हो, आतंकवाद को नियंत्रित करना हो, नक्सलवाद को रोकना हो, लेकिन अलग अलग तरह की समस्या और चुनौतियां आती रहती है जिस पर वो बात करेंगे। लेकिन आईपीएस सर्विस मीट एक हल्का फुल्का वातावरण भी देता है कि फिर से साल भर के लिए उत्साह से भर के जाएं, उसके लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे हैं और उसी में मैं आया था। सर, ये पद्मावत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चारों राजदेश भी शामिल है कि जो पाबंदी लगाई गई थी वो तुरंत बंद की जाए, 25 तारीख पूरे देश में पद्मावत नाम से रिलीज होगी। शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में आईपीएस मीट उद्घाटन समारोह में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि एडवोकेट जनरल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के लिए बोला गया है। कहने के मायने ये कि सीएम साहब से जब पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश में पद्मावत फिल्म पर बैन लागू रहेगा तो उन्होंने कुछ साफ साफ न कहते हुए सिर्फ इतना कहा कि राज्य सरकार अपने हिसाब से आकलन कर कोई फैसला लेगी। हमने अपने एडवोकेट जनरल को कहा है वो अध्ययन करे, अभी फैसला हमने देखा नहीं है, उस फैसले के अध्ययन के बाद जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई बात रखनी होगी तो हम रखें। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पद्मावत फिल्म पर विवाद शुरू होने के साथ ही ऐलान कर दिया था कि वो मध्य प्रदेश में उसका प्रदर्शन नहीं होने देंगे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के पद्मावत फिल्म पर लगे बैन पर स्टे वाले आदेश से पहले तक उनका यही कहना था कि जो कह दिया सो कह दिया, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बता दें कि 25 जनवरी में पद्मावत फिल्म रिलीज हो रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, भोपाल।